का स्वागत करती हूँ। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइन पर। बीजेपी को बड़ा झटका, गौर की बहू पर मेहरबान कांग्रेस, मतदाताओं को जेएनयू दिखाकर ठगने की कोशिश। अब खबरें विस्तार से। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के एक दिन बाद कांग्रेस ने उसे बड़ा झटका दिया। सीएम शिवराज सिंह के साले संजय सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इनकी जानकारी दी। सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपको कष्ट हुआ भीड़ के कारण और मेरे देर आने के कारण। जितनी असुविधा आपको हुई अंदर आने में, उतनी असुविधा मुझे भी हुई। बड़ी खुशी के साथ मैं सूचित करना चाहता हूं कि संजय, आप लोग बहुत सारे इस चेहरे से परिचित नहीं होंगे। संजय सिंह श्रीमती साधना सिंह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की पत्नी, उनके सगे भाई हैं। ये आज कांग्रेस में प्रवेश कर रहे हैं। बड़े सोच समझ के आज मध्य प्रदेश में विकास के एक नए नक्शा बनाने के लिए, कांग्रेस का साथ देने के लिए ये कांग्रेस में प्रवेश कर रहे हैं। और मुझे पूरा इस बात का विश्वास है कि जिस निष्ठा के साथ ये भारतीय जनता पार्टी में रहे, उसी निष्ठा के साथ अब कांग्रेस की सेवा करते रहेंगे। सबको चिंता है मध्य प्रदेश की, भविष्य की। मध्य प्रदेश के विकास का एक नया नक्शा बनाना है। मध्य प्रदेश में व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता है। व्यवस्था में इतनी बड़ी आवश्यकता है कि 50 साल पहले की व्यवस्था चल रही है। और आज मध्य प्रदेश में हर वर्ग पीड़ित है। उनकी पीड़ा के भावनाओं के साथ संजय आज कांग्रेस में प्रवेश कर रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी दो शब्द आप से बोले। सभी को मेरा नमस्कार। मैं हमारे सबके आदरणीय और मध्य प्रदेश जिनकी तरफ निगाह देख रहा है, ऐसे हमारे कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री कमलनाथ जी ने मुझे गले लगाया, मुझे अपने पास रखा, उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच में आज मध्य प्रदेश को शिवराज की नहीं, नाथ की जरूरत है, कमलनाथ की जरूरत है। हो गया 13 साल, बहुत हो गए। अरे मौका दूसरों को भी मिलना चाहिए। और मुझे लगता है जिस प्रकार से छिंदवाड़ा का विकास हुआ है, वो किसी से छुपा नहीं है। छिंदवाड़ा व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश भी कमलनाथ जी के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में आज बेरोजगारों के लिए रोजगार नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है। इन्वेस्टर मीट तो काफी हुई है, लेकिन कोई भी उसके परिणाम सार्थक हमारे सामने नहीं आए हैं। सबसे बड़ी समस्या है वहां पे। और जिस प्रकार से भाजपा में जो द्वंद चल रहा है, सीआईसी मतदान में जारी साम दाम दंड भेद की नीति को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस ने बीजेपी को एक और बड़ा झटका देने की कोशिश की है। कांग्रेस ने गोविंदपुरा सीट से कृष्ण गौर को टिकट की पेशकश की। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के धार्मिक अवतार काफी चर्चा में है। इसे लेकर लोकसभा में भाजपा के मुख्य संचेतक अनुराग ठाकुर ने भी राहुल पर शनिवार को निशाना साधा है। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए MNS इंडिया प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें और हमारे MNS न्यूज लाइव को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।